मोज़रेला चीज, यानी कि जो चीज आपका पिज्जा पास्ता सैंडविचेस में घर में नॉर्मली यूज होता है, तो वेरी इजी टू मेक होममेड पिज्जा चीज। और एक और बात, स्वीट चीज की रेसिपी जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज चेक कीजिएगा। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले स्वीट चीज बनाया था। तो चलिए लेट्स मूव टू द किचन एंड स्टार्ट विद मोज़रेला चीज रेसिपी। बच्चों का फेवरेट होता है चीज, और मैं आपको बताने वाली हूँ आज क्विक एंड इजी रेसिपी ऑफ होममेड चीज विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम मक्खन, मैंने लिया है येलो बटर, आप चाहें तो व्हाइट बटर या देसी घी भी ले सकते हैं, और उसे मैं लूंगी 200 ग्राम पनीर, यानी डबल द क्वांटिटी ऑफ बटर। 200 ग्राम पनीर मैंने लिया है बाजार का बना हुआ, आप चाहें तो घर का बना भी ले सकते हैं। मैंने तो कॉटेज चीज जो नॉर्मली मार्केट में पैकेट मिलता है वही लिया है, और साथ में उसमें डाला है 1 चम्मच विनेगर वाइट, यानी कि सफेद सिरका पूरा 1 बड़ा चम्मच, और डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, और डालिए इसमें 3/4 स्पून बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, और डालेंगे थोड़ा सा दूध, दूध 1/4 कप डाला है मैंने करीब, अगर जरूरत होगी तो और डालेंगे। ये डालना है हल्का गुनगुना ताकि बटर हमारा मेल्ट हो जाए उसमें, और इसको करना है हमने अच्छे से बीट फॉर 4 to 5 मिनट्स, रुक रुक के करना है ताकि एक अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें स्मूथ चीज मिल जाए। तो देखिए 4 मिनट्स के बाद, करीब 4 मिनट बीट करने के बाद हमें मिला है कुछ इस तरह का चीज, और अब इसको घुमाएंगे बहुत अच्छे से हाथ से बीट करना है ताकि सारे के सारे एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं बाहर। अब मैं इसको सेट होने रखने देने वाली हूँ इन मोल्ड्स में, ताकि मैं आपको चीज स्लाइसेस दिखा सकूँ कितने अच्छे से बन जाते हैं। आप इसको बॉटल या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इन अ फ्रीजर फॉर 2 to 3 मंथ्स इजीली, तो आप बड़े आराम से इसको रख सकते हैं। मैं आपको चीज स्लाइसेस बनाना इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि बिल्कुल मार्केट जैसा चीज हम घर पे कितनी आसानी से बना लेते हैं। देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है, और इसको 2 से 3 घंटे मैंने रखा है फ्रिज में, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और मैंने डाल दिए हैं मिक्स हर्ब्स ऊपर ताकि ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगे, और मैं आपको रेसिपीज भी दिखाने वाली हूँ आगे दो, कितनी ईजी रेसिपीज इसे आराम से बन सकती है। चीज बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा और चीज बच गया है तो मैं इन मोल्ड्स में डाल देती हूँ, सिलिकॉन मोल्ड्स में, आपको मैं जरूर निकाल के दिखाऊंगी। आप घर पे बनाइएगा, 5 मिनट से भी कम लगे हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं तो 5 मिनट भी ज्यादा है इस चीज को बनाने के लिए। बस इसको रख दीजिएगा, जो टाइम लगता है फ्रीजर में ही लगता है, तो अगर आपको इंस्टेंट यूज करना है तो आपको इस स्टेज में भी आप आराम से यूज करते हैं, फ्रीजर में तो मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी ही, आप इसको बनाने के बाद एकदम से तब भी यूज कर सकते हैं। अब मैं रखने वाली हूँ इसको फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए, और बस अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये देखिए फ्रीजर में पूरे 3 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है, अब मैं आपको स्लाइसेस निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए पहले सिलिकॉन मोल्ड वाले निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना सुंदर बन के आया चीज, बिल्कुल परफेक्ट जम गया, अच्छे से बिल्कुल स्टिफ हो गया। मैंने देखो कोई अगर अगर नहीं डाला है, कोई जेलेटिन नहीं डाला है, कोई और प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला है, मुझे प्रिजर्वेटिव की इनफैक्ट पता ही नहीं है कि प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से डलते हैं, मैं यूज ही नहीं करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे चीज स्लाइसेस हैं, आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए मैंने तो अपनी प्लेट पूरी तैयार कर ली है। अब बनाते हैं 2 इंस्टेंट इजी एंड डिलिशियस रेसिपीज विद दिस चीज, यू जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड।